भोपाल में राजपूत समाज के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति सीएम से बात करने के लिए मंच की ओर जाने लगा तो पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। युवक का कहना है कि उपचुनाव में सीएम को हमारे वोट की चिंता सताने लगी है, मैंने अपनी बात रखनी चाहिए तो उन लोगों ने बाहर कर मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। कार्यक्रम लगातार विरोध को देखते हुए शिवराज ने सभा को संबोधित किया और यहां से निकल गए। हालांकि उन्होंने मन से कहा कि उनका आज यहां आने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आपके बुलावे पर आया हूं। उन्हें और भी कई जगहों पर जाना है। मनोहर रघुवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2018 के चुनाव में कहा था कि उन्हें सामान्य वर्ग का वोट नहीं चाहिए, अब उपचुनाव में स्मारक बनाने की बात कह रहे हैं, अब इन्हें चुनाव में हार का डर सता रहा है इसलिए वोट मांगने आए हैं। मैंने इसका विरोध किया तो पुलिस और अन्य लोगों ने मेरे साथ झूमा झटकी की, वे पकड़कर मुझे साइड में ले गए और बाथरूम में बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि पद्मावती पर बनी विवादास्पद फिल्म पर बैन लगने वाला एमपी पहला राज्य था। 2018 में हमने तय किया था कि भोपाल में रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाया जाएगा। मनुआ भान टेकरी पर इसके लिए जमीन आरक्षित कर दी थी, लेकिन उसके बाद चुनाव आ गए और चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री नहीं रहा। अब 5 दिन पहले उस जमीन को फिर से दिखवाया है, वहां पद्मावती का भव्य स्मारक बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मावती फिल्म के विरोध के दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों पर लगे सभी केस वापस लिए जाएंगे। अगले साल से रानी पद्मावती को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार और रानी पद्मावती के नाम पर भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। राजपूताना संघ की सरला सोलंकी ने कहा कि हमें आरक्षण नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। हमने सीएम से जातिगत आरक्षण को खत्म करने की मांग की है। जिस दिन यह होगा हमारा दशहरा उसी दिन मनेगा, क्योंकि आरक्षण रूपी रावण मर जाएगा, उस दिन राम राज्य आ जाएगा। इंदौर में सोमवार को राजपूताना समाज ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश भर के करीब 15 जिलों से राजपूत समाज के लोग आए थे। आज मंच में बात यह की कि हमारे दिल में कहीं लगती है ठाकुर लोग और जो अन्य समाज के जो सामान्य उसमें आते हैं, जब इनका कुछ काम होता है तो ये लोग विरोध करते हैं और बोलते हैं कि हमें ठाकुरों की और इनकी वोट नहीं चाहिए। और आज जब किया तो मंच से हटा दिया, मुझे पुलिस वाले और 2-4 लोग पकड़ के ले गए, क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी से रख सकता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ा, झूमा झटकी करी और साइड में ले जाके बाथरूम के पास बंद कर दिया था मुझको। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। आप ही चाहती है आरक्षण व्यवस्था चल रही है, आरक्षण जो रखा है वो सामान्य कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे, जातिगत आरक्षण नहीं रख रहे, उसको बराबर कर दीजिए। जातिगत वो जिस दिन ही हो जाएगा हमारा दशहरा उसी दिन मनाया जाएगा। आरक्षण जैसे ही आपने आवाज लगाई सीएम मंच से उतर के चले गए, नहीं लगता कि आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने? नहीं, बात तो सुनी, कानों तो खुल गए उनके, लेकिन हो सका उनको डर लगा हो तो वो चले गए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.